वंदे मातरम दोस्तों, हमने ये श्रृंखला शुरू की थी इकोनॉमिक्स की, तो इंडियन इकोनॉमी से हमने शुरुआत की थी, लेकिन बाद में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं और बोल रहे हैं बच्चे कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके बनाए बेसिक से। तो इस श्रृंखला की शुरुआत में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों आया ये और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दो फार्मूला आपको याद रखना है सर, सबसे पहले एन इक्वल टू आई, जो हमने बात पहले ही चले, एन पी इक्वल टू पी। मुख्य रूप से जो एन इक्वल टू आई है, नेसेसिटीज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरी है। इस आधार पे हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों आया या पूरी टोटल इकोनॉमी क्यों आई। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की शुरुआत में हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स को देखेंगे कि इकोनॉमिक्स फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एंड सेकंड है व्हाई। तो क्वेश्चन हम दोनों को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर की बातों पर चर्चा करें। तो इकोनॉमिक्स अगर बात करें तो इसके जो ज्ञाता हैं, जो इसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है, डॉक्टर एडम स्मिथ एडम, और ये इसकी शुरुआत होती है 1777 से। सर वो जो एज है, इसे ब्रिटिश हिस्ट्री में एज ऑफ रिनेसांस कहा जाता है, पुनर्जागरण काल कहा जाता है। 1776 में जो एक किताब आती है जिसे हम बोलते हैं विल्थ ऑफ नेशन, विल्थ ऑफ नेशन, इस किताब में उन्होंने अपनी सारी चीजें लिखी। इसका अर्थ यह है कि धन का विज्ञान, उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, हाँ, चूंकि हम यहाँ से क्यों लेते हैं इकोनॉमिक्स को, मुख्य रूप से हम 1776 से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों की जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, या जो भी चीज़ें हैं हम लोगों की जो पढ़ाई होती है, वो ब्रिटिश द्वारा डिजाइन किया गया, सारी चीज़ें विदेशों से द्वारा लाई गई है ना। 1935 आपको याद होगा, इंडियन एजुकेशन एक्ट। तो इस तरीके से जो हम लोगों की जो शिक्षा प्रणाली है वो एक तरह से ब्रिटिश है, इसलिए हम जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो 1776 एडम स्मिथ को मानते हैं। ओके, क्योंकि भारत में तो इसकी ओरिजिन बहुत पहले से है, एक किताब है जिसमें पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, वो है कि अर्थशास्त्र बाय चाणक्य। तो हम लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों मानते हैं, हमने हमें बता दिया है कि हम ब्रिटिश से अडॉप्ट किए हैं। तो इसमें धन का विज्ञान है, सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसका रीजन ये था कि जो पश्चिमी देश हैं, जो पश्चिमी कंट्रीज हैं, वो उनके पास जिस देखिए उनकी जो ट्रेन है वो उनकी बहुत ही कैपेबल नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनको खरीद के ही लाना पड़ता है, सारी चीज़ें उनको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, पोलर रीजन में देखिए पूरी ठंडी अर्थव्यवस्था, पूरी ठंडा पूरा वातावरण है उनका। तो उस समय सबसे जरूरी क्या थी, कपड़े और मसाले। तो जो कपड़े और मसाले हैं इसके बिना वो जी नहीं सकते, तो वो इंडिया से वगैरह से अडॉप्ट करते थे। देखिए वो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी चीज़ें गोल्डन आइलैंड कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण द्वीप। तो ये सारी चीज़ों से यहीं से ये लोग भारत में आता था सारी चीज़ें, और फिर व्यापार होता था पश्चिमी देशों में। तो उसमें इसीलिए जो व्यापार होता था वो पैसे के जरिए होता था, धन के जरिए होता था ना, अर्थ मतलब धन, एडम स्मिथ ने कहा है। तो जो व्यापार होता था धन के जरिए होता था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था फिजियोक्रेट्स में, देखिए उन्होंने सोने पे जोड़ दिया है, सोना, सोना पे जोड़ दिया था, क्योंकि सोने में व्यापार होता था, इसीलिए धन जरूरी था उनके लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा धन जरूरी था, दैट्स व्हाई इन्होंने, एडम स्मिथ ने 1776 में जो किताब लिखी वो धन के लिए लिखा था, और धन के बारे में लिखा कि अर्थव्यवस्था क्या है, धन का विज्ञान। ओके, बाद में कई सारे सीरीज आते हैं बाद में जो जिसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, आप किताबों में पढ़ लेंगे, एस एन सिन्हा की बुक है तो उसमें आप पढ़ लेंगे तो मिलेगा। हम केवल आपको कनेक्ट करना बता रहे हैं कि क्यों हुई चीज़ें, ताकि आपको समझ में आए, और दूसरी चीज़ें ये कि आपको रिलेट कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम ये बेसिक्स। इसके बाद हम चलते हैं जो सबसे प्रमुख अर्थशास्त्र में दिया है, जिसके सिद्धांत जिसपे काम हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था का कार्य
अर्थव्यवस्था के कार्य क्या है, अर्थव्यवस्था को डिफाइन किया है जॉन रॉबिन्सन, वॉन विल रॉबिन्सन 1931 में इसको डिफाइन किया और कहा कि अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है या अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था सिर्फ जो मनुष्य की जो असीमित इच्छाएं हैं, क्या है असीमित इच्छाएं, और जो इसके पास संसाधन है, संसाधन क्या है सीमित संसाधन, असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनका कुशलतम प्रयोग इकोनॉमिक्स का है, उसका कुशलतम प्रयोग हम इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। इनके अनुसार इन्होंने असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग है, तभी तो आप कुशलतम प्रयोग करें, तभी तो आप असीमित इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, तो उसका प्रयोग क्या है इकोनॉमिक्स बताता है एंड इकोनॉमिक्स इसको डिफाइन करता है। ठीक, व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े, तो समाज सामाजिक जिंदा इकाई है, ओके इट इज अ लाइव यूनिट, देखिए एक मान लीजिए समाज है, समाज किससे बनता है लोगों से बनता है समाज, और समाज देखिए ऐसा चीजें अभी डिफाइन कर देते हैं तो समाज इसमें रहने वाले लोग हैं, समाज की रीढ़ है, इकोनॉमिक्स को समाज की रीढ़ कहा जाता है, अर्थव्यवस्था को समाज की रीढ़ है, स्पाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है धर्म बदलता है, राजनीति हर एक चीजें बदलती है, राजनीति बदलता है, इतिहास बदलता है, धर्म बदलता है, जियोग्राफी भी, जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी का अर्थ ये है कि उतना जियोग्राफी तो स्टेबल कंपोनेंट है, वो तो सारी चीजें रहेंगी, क्लाइमेट रहेंगे, लेकिन जियोग्राफी को आप प्रभावित कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर गर्मी है तो आप अर्थव्यवस्था के कारण आप उसको एयर कंडीशन लगा के जियोग्राफी को भी अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं, तो अर्थव्यवस्था में इतनी ज्यादा ताकत है इस माइंड में। ठीक है, सोशल देखिए जो इकोनॉमिक फ्रीडम है इट कैन लीड टू सोशल फ्रीडम, जो आर्थिक आधार है, आर्थिक स्वतंत्रता है, समाज स्वतंत्रता का जन्म जाता है, तो इसके अलावा हम ये स्पाइन है, तो समाज की स्पाइन को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, जैसे देखिए अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई हो, ठीक है, तो जैसे जैसे उसके पास अगर आपके पास अगर आपके पास मान लीजिए आपको कोई नौकरी मिल गई, कोई बढ़िया अच्छी जॉब कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो एक सोशल फ्रीडम होगा सर, आपकी बात रखने की क्षमता होगी, अब वो कोई रोकेगा नहीं जल्दी, लेकिन अगर आपके पास इनकम नहीं है, यू हैव टू पर्सनली टेक दिस, आप इसको पर्सनली समझिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बहुत सारा रोक टोक होगा, कई लोग आरोप लगाएंगे, बहुत सारी चीजें स्त्रियों के साथ इसीलिए तो भेदभाव हो रहा था पहले, लेकिन अब नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक आधार है, अमेरिका में देखिए इकोनॉमिक आधार मानते हैं उनके, वहाँ की लड़कियों को कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कैसे नहीं रहे, कोई नहीं बोलता, सारी स्वतंत्रता है वहाँ पर, क्यों है क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबल है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रेजेंस है, लेकिन वहीं देख लीजिए अफगानिस्तान फ्यूडलिज्म है, वहाँ इकोनॉमी मजबूत नहीं है उनकी, तो स्त्रियों की देखिए दशा कितनी खराब, स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सबसे बढ़िया है उन्हें एम्पावरिंग, उन्हें एजुकेशन दें और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करें, सारी चीजें सारी कुरीतियाँ खत्म करें, दैट्स व्हाई इसके लिए जो है सिद्धांत हमने बता दिया कि इकोनॉमिक्स क्यों आया, तो क्या है हमने बताया है कि सीमित संसाधन, सीमित संसाधनों के द्वारा सीमित इच्छाओं की पूर्ति इकोनॉमिक्स का उद्देश्य है। इसके अलावा थीरीज आई है जो इकोनॉमिक्स है, ये जो इकोनॉमिक्स की क्रियाएं हैं, मान लीजिए सीमित संसाधन है और असीमित इच्छाओं की पूर्ति, वो किसके द्वारा, किसके द्वारा होगा, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया ना ताकि बाद में आपको सारी चीजें समझ में आए, तो किसके द्वारा होगा, वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा, यू हैव टू लर्न दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसके अंदर चार एक्टिविटी बताई गई है, ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़िए बहुत मजा आएगा, वरना इसे अगर सीरियस पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, एक बार समझ में आएगा तो भूलेगा नहीं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है, चार मानी गई है, कौन कौन देखिए, और ऐसे ही डायग्राम बनाना है आपको, ये कंजम्पशन कंजम्पशन मतलब उपभोग, बाइलिंगुअल चलेगा
नंबर दूसरा है प्रोडक्शन, ये है उत्पादन। नंबर तीसरा है एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स विनिमय। और चौथा है चौथा वितरण, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार जो है इसलिए आपकी कमांड होनी चाहिए, अगर आप इसको समझ गए तो पूरी इकोनॉमिक्स आपके हाथ में है। इट इज अ वेरी बेसिक्स, ओके। तो इसके अलावा इसमें होता क्या है कि जो कंजम्पशन है ये उपभोक्ता से रिलेटेड है। उपभोक्ता मतलब जो सारी चीजें खाता है, जो भी हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है, क्योंकि ग्रहण करता है कुछ ना कुछ सेवाएं, सेवाओं का उपभोग करता है, वस्तुओं का उपभोग करता है। तो उपभोग वस्तु में आता है जो आप खाते हैं, एंड उपभोक्ता उपभोग करके इससे डिफाइन करते हैं सेल फंक्शन ऑफ वाई। इसका मतलब ये है कि जो उपभोग है या जो हम खाते हैं वो किस पर निर्भर है, हमारे आय, हमारे पैसे पे, ठीक है। वाई यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ओके। तो कंजम्पशन है, ठीक है। तो इसमें उपभोग का अध्ययन करते हैं, इसी को हम डिमांड साइड भी कहते हैं, मांग पक्ष। इसको क्या कहते हैं, डिमांड साइड या मांग पक्ष, ठीक है। और ये है उत्पादन पक्ष। उत्पादन पक्ष क्या होता है, उत्पादन पक्ष इसको हम बोलते हैं कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी उत्पादक जब डिमांड के अनुसार उत्पादन करता है, जैसे डिमांड जब मांग हुई तो क्या करता है, तो लाभ के लिए, जिससे उसको लाभ प्राप्त हो, तो डिमांड की पूर्ति करता है, जिससे उसको लाभ मिलता है, इसलिए वो उत्पादन करता है, ठीक है। तो डिमांड है, इसको सप्लाई साइड बोलते हैं। और ये जो डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, ये जो डिमांड और सप्लाई है उसका एक माध्यम है। इसमें किसी ने मांग किया तो पूर्ति की, किसी ने पूर्ति की तो उसका एक माध्यम है, ऐसा नहीं हो जाएगा पूर्ति। तो उसका माध्यम क्या है, वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज एक्सचेंज मतलब मार्केट, बाजार, बाजार में इसकी एक्सचेंज होता है। अर्थात डिमांड जो उपभोक्ता क्या करता है, मांग करता है यहाँ पे, और इसको सब जो जो पूर्ति पक्ष है उसको क्या करता है, सप्लाई करता है। क्योंकि उसका जो प्लेस है, एक प्लेस अर्थात एक जगह है, भौगोलिक जगह नहीं है, यह एक व्यवस्था है, ठीक है। इस व्यवस्था के द्वारा आप क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जो संसाधनों की लागत है, अर्थात जो मान लीजिए लेबर है, लैंड है, ये सारी चीजें हैं जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन कौन कौन है, अभी हम इसको देख लेते हैं। उत्पादन के जो साधन है, प्रोड्यूसर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक। तो ये कितने हैं, ये भी चार है मुख्य रूप से, इसके बीच में कई सारी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले देखते हैं भूमि, इसे हम लैंड बोलते हैं, पूंजी इसे हम कैपिटल बोलते हैं, तीसरा होता है श्रमिक जिसे हम बोलते हैं लैंड या लेबर, लेबर बोलते हैं, और है चौथा है मुख्य रूप से चौथा है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, भूमि पूंजी श्रमिक और उद्यमी। उद्यमी इंटरप्रेन्योर, साहसी, ओके। साहसी का मतलब जो उसको मैनेज करता है, जो चलाता है, जो पैसा लगाता है उसी को उद्यमी बोलते हैं। किस लिए लगाता है, लाभ के लिए, लाभ मतलब प्रॉफिट, ओके। ये जो सारी चीजें हैं, तो जितने भूमि है, पूंजी है, श्रमिक है, उद्यमी है, तो अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो इनको कुछ देना होगा, वैसे थोड़ी उत्पादन कर रहे हैं, तो इनको कुछ मिला तो इसको क्या मिलेगा, भूमि को, भूमि को मिलेगा रेंट, रेंट मतलब लगान इसके बदले। जैसे मान लीजिए किसी ने, आप समझ लीजिए आपने कोई रूम लिया, ठीक है, और रूम में कहीं रह रहा है, तो एक तरह से भूमि तो इसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि आपने किसी का खेत लिया, खेत, ठीक है, और खेत लिया और उस पर कुछ कोई उत्पादन किया, आप किसी किसान से खेत ले लिए और उस पर कुछ उत्पादन किए, तो वैसे थोड़ी दे देगा आपको खेत, उसके लिए कुछ पैसा लेगा, उसी पैसे के लिए क्या देते हैं उसको, जो पैसा देते हैं उसको उसे हम रेंट बोलते हैं, ठीक है। पूंजी जिस प्रकार रेंट है, ठीक है, उसी प्रकार पूंजी भी है, पूंजी को भी कुछ चाहिए, उसी प्रकार समय को भी चाहिए, उसी प्रकार उद्योग को भी चाहिए, ओके। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए
रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको क्या चाहिए लेबर, इसको चाहिए वेज, वेज मतलब मजदूरी, और इसको चाहिए जमीन, जमीन को चाहिए कैंडिडेट लार्ज। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मान लीजिए पैसा निकाल लिया आपने तो कि कोई भी कंपनी अगर स्थापित कर ली तो आपने पैसा निकाला बैंक से, पैसा लिया तो उस पर क्या देंगे आप, रेंट देंगे, इतना परसेंट ब्याज दे तो पैसा देगा। ये सारी चीजें हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, हमें बता दिया है। उपभोग क्यों पढ़ते हैं, हमें बता दिया है। प्रोडक्शन क्यों पढ़ते हैं, बता दिया। अब होता क्या है बाजार कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी वजह शुरू कर सकते हैं कि हम शुरू करते हैं और हमको लाभ मिलने लगे, सबको सबकी मांग पूर्ति होने लगे, तो कब से शुरू होता है? क्योंकि मांग ये है कि ब्यूटी बहुत छोटा बनाया जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी बेसिक सी थोड़ा सा तुरंत 5 मिनट और लेंगे और फिर इस पर पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, फिर हम अगली जो चैप्टर है उसमें हम सबसे पहला स्टेप दिखाएंगे वो है कंजम्पशन का, उपभोग का, उसमें सारे सिद्धांत पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये होता कहाँ है, जब सारी मार्केट मार्केट की व्यवस्था शुरू कर सकती है, इकोनॉमिक शुरू कहाँ से होती है, ये होती है मांग आपूर्ति, डिमांड कहाँ से होती है, उपभोग वाले से आपूर्ति कहाँ से होती है, प्रोडक्शन के द्वारा। तो ये जब दोनों बैलेंस होते हैं उसी को हम डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। ठीक है, जब डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, ये मांग डी और ये आपूर्ति, दोनों का एक साथ निर्धारण होता है। ठीक है, तो जब कीमत का निर्धारण हो गया, टी प्राइस है, इस प्राइस में जो क्वांटिटी की मात्रा है वो क्यू डैश मात्रा और पी डैश मात्रा, इतनी क्वांटिटी उत्पादित की जाएगी। क्यों इतनी उत्पादित की जाएगी, क्योंकि इतना ही कंज्यूमर की मांग है और इतना प्राइस तय किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि इतना पे ही वो खरीदने को तैयार है और बेचने को तैयार है। ठीक है, इसलिए इसे किया है, इतनी व्यवस्था होगी। मुख्य रूप से ऐसे ही अर्थव्यवस्था यही से प्राइस तय होगी, कीमत तय होगी, उत्पादन तय होगा, उत्पादन होगा और बेची जाएगी उस कीमत पर। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई है, शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ और सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत जॉन मार्शल ने दिया था और दूसरा दिया था वाल्स ने। तो जॉन मार्शल सिद्धांत है उसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, हमने बताया इक्विलिब्रियम जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कम कर रहा है, जो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कम कर रहा है वहीं से प्राइस और क्वांटिटी का निर्धारण हो रहा है, मात्रा और कीमत का, और जो मात्रा और कीमत का निर्धारण हो रहा है तो जहाँ डिमांड और सप्लाई का अंतर कर रहा है ई बिंदु पे, ये इसी को हम संतुलन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम केवल एक स्थिति को शामिल करता है, एक बाजार को शामिल करता है, और इसको बोलते हैं जेनरल इक्विलिब्रियम। जेनरल ये जो है सामान्य बाजार के साथ है, अर्थात एक बाजार के साथ दूसरा बाजार भी संयुक्त होता है। इसके बारे में कल चर्चा होगी। और परेशान नहीं होना है, नहीं कि भैया ये नहीं पढ़ाया, अपने पढ़ आराम से, ओके, आराम से सारी चीजें चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और सारी चीजें हम ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसे समझिए, पढ़िए, मजे लीजिए, मजे से उसको रटना नहीं है सर, एक भी स्टेप इसमें रटने वाला नहीं है, पूरा इकोनॉमिक्स रटना नहीं है, केवल समझना है, चीज़ों को व्यवस्थित करना है। और क्यों आएंगी सारी चीज़ें, कुछ आपको वक्त लगेगा, लेकिन हम आपको सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आनी होगी, हमने पूरी कोशिश है हमारी। इसके बाद हम देखेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक क्रांति की शुरुआत, इस क्रांति की जो उद्देश्य है, क्रांति का जो उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक बनाना, जो युवा है वो जागरूक बनाना और उनको जागरूकता के साथ अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेसिक्स क्लियर नहीं होता है पहले। बेसिक्स जब क्लियर रहेगा तभी आप आगे सारी चीजें किसी भी सब्जेक्ट का तो आप पढ़ेंगे, मजा आएगा,
वो आपके जीवन में काम आएगा, जीवन से कनेक्ट करेगा। और पढ़ने के लिए आप इकोनॉमिक्स ना ले, किसी भी सब्जेक्ट को ना, हिस्ट्री ना, इकोनॉमी ना, जियोग्राफी, पॉलिटी, कुछ नहीं। यू हैव टू कनेक्टेड, क्यों आया ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्यों आया, क्या है, किस लिए, ये सारी चीजें। मजा करिए एकदम, गाना वाना गाइए और पढ़िए, बढ़िया गाना गाइए जैसे मन का है, और उसके बाद जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़िए, समझिए, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और दुर्योधन के जैसे नहीं कि मतलब परेशान हो कि ये नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आराम से, ओके, आराम से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप आपको ये समझ, वीडियो पसंद आई होगी, ये सारी लेक्चर है पसंद आ रहा होगा। कमेंट अपना जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें कि समझ में आया कि नहीं, और बेहतर तरीके से समझाया जाए। लेकिन हमारा कोशिश है कि बहुत बढ़िया समझाया है, और फिर आप इसको एक बार और देखेंगे अपनी समझ में आए। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि पार्शियल क्या है और जनरल क्या है, इन तथ्यों को शामिल करेंगे। मजे करिए और पढ़ते रहिए, समझ में आना चाहिए। केवल अगर आपको केवल पढ़ना है तो आप मत पढ़िए, यू हैव टू कनेक्ट इट। आप पढ़िए तो आप ये समझिए कि क्यों आ रहा है, अपने दिमाग में उसका इमेज बनाइए, कि रीड करने के बाद उसे लर्न करिए, समझिए, जोड़िए, सोसाइटी से जोड़िए, और तब मजे करिए। आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा सर, आपको बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाद में पढ़ने का मतलब ये है कि आपको फिर किताब का देखने की जरूरत नहीं, आप जब कनेक्ट कर लेंगे एनवायरनमेंट से अपने आप को उस थ्योरीज के द्वारा, तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, सहयोग देते रहिएगा, पसंद आए कमेंट करिएगा, ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।